मगर ये तो इतना गलीज है, खुदा का कसम देखने का काबिल ना सुनने का काबिल है ऐसी लफ्ज जो इसकी मैंने सुने। ये कौन है, यूट्यूब पर है कोई? जब हम बेलगाम करेंगे ना ये बहुत आगे तक जाएगा। ऐसा सवाल नहीं है जो मेरे बच्चों के लिए सवाल कर रहा है, वो जो भी करे उसको। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई बहन अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे दोस्तों सीमा हैदर केस को लेकर। दोस्तों गुलाम हैदर का एक इंटरव्यू आया। गुलाम हैदर यानी फैयाज रामे साहब जो है वकील साहब यानी पाकिस्तान से, उनकी लाइव में जो है मौजूद थे। तो वहां पर जो है गुलाम हैदर ने, एक हमारी सिस्टर है दोस्तों पंजाब से, गुरदासपुर से, इसका नाम है दोस्तों पूनम खन्ना, ठीक है। वो फैयाज रामे साहब की लाइव में जो है जाते थे, यानी वहां पर हैदर के बच्चों को लेकर यानी आवाज उठा रहे थे, जैसे हम उठा रहे, यानी जो हमारी इंडियन बहनें हैं वो भी इस काम में लगी हुई हैं कि जो है ये हमारे देश में इल्लीगल तरीके से आई और इसे जो है हम अपने देश में बर्दाश्त नहीं करते और इसे जो है यहाँ से लंघाया जाए या हैदर को उसके बच्चे दिए जाए, क्योंकि दोस्तों हैदर बहुत ज्यादा परेशान है। तो उस पर एक नॉर्वे का है कोई, शायद हम जानते नहीं, मर्चेंट नाम है उसका, उन्होंने जो है यानी पूनम खन्ना जी को काफी गलत शब्दों से जो है इस्तेमाल किया। तो उन्होंने जो है यानी हैदर को पता लगा इस बात का, भाई आपकी सपोर्ट जो है यानी पूरा इंडिया कर रहा, ज्यादातर 90-95% सभी धर्मों के लोग इंसानियत के नाते सपोर्ट कर रहे, आप जो है उसे ही यानी मतलब गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर जो है गुलाम हैदर ने एक मतलब स्पीच दी, एक बयान दिया दोस्तों गुलाम हैदर ने, यानी पूनम खन्ना को लेकर जो मर्चेंट है वो नॉर्वे का, उसको लताड़ा, यानी उस पर भड़के गुलाम हैदर। दोस्तों बड़ी अच्छी बात की गुलाम हैदर ने, करना भी चाहिए था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद पहले एक बार आप ये इंटरव्यू देखिए जब गुलाम हैदर ने पूनम खन्ना को लेकर क्या कहा। दोस्तों इससे अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी, हम पूनम खन्ना का इंटरव्यू लेंगे और पूनम खन्ना से बातचीत करेंगे, क्या मामला था, क्या उन्होंने बोला, क्यों उन्होंने बोला, ये सब जानकारी लेके जो है यानी हम पूनम खन्ना का इंटरव्यू लेंगे। एक बार आप ये देखिए गुलाम हैदर ने पूनम खन्ना को लेकर क्या कहा। तो दोस्तों इस पर आप कमेंट भी जरूर करना, यानी क्या ये सही है या अच्छा है या बुरा है, अपनी राय जरूर देना। यानी जैसे कि वो हिंदू धर्म से है, चलो धर्मों की तो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो इंसानियत है, वो इंसानियत के नाते सपोर्ट करी, तो आप जो है कॉमेंट जरूर करना। देखिए गुलाम हैदर ने यानी मर्चेंट को जो लताड़ा। अगर भाई आपसे ये सवाल है कि एपी सिंह कहता है कि आप बच्चे वापस नहीं लेना चाहते, आपको बच्चों से कोई प्यार नहीं है, आप बच्चों के ऊपर जो है वो आपने तो बात ही नहीं करनी थी लेकिन आपके ऊपर दबाव आ गया, आप इसलिए बच्चों की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं, तो यार ये क्या कोई हकीकत है या हमें बकवास ही कर रहे हैं? नहीं यार, बच्चों का वारिस है, आप पहले ये बताओ एपी सिंह होता कौन है कि हमको मशवरा देने वाला है, आप जो है ना पहले नहीं थे अब आ रहे हो, ये तो इसको सवाल ही नहीं करना पड़ता है ना कि उसका क्या काम है। बाप से सवाल कर रहे हैं, आपको जो है प्यार नहीं था, मुझे प्यार नहीं था, एपी सिंह को प्यार है क्या बच्चों? हाँ बाप का प्यार है, एपी सिंह दे सकते हैं बच्चों को? ये बेवकूफ है, जाहिल है, मेरे ख्याल में तो ऐसे ही है। मैं किसके दबाव में बच्चों के लिए आऊंगा सर? आप भी एक बाप हो, भाई हो, आप बताओ इस बात को क्लियर करो। जो जो उसके मन में आता है बैठ के, जो ड्रामा रखा था सीमा के साथ बैठ के, बेबुनियाद बातें करके लोगों को भड़का रहे बस। सर आपके लिए एक सवाल करता हूँ कि पूनम जी ने कॉल की थी आज मेरे तरफ से कि आप ये मसला, और मैं आपको तो शायद पता होगा कोई यूट्यूबर है इसी बारे में थोड़ा, वो भी शायद हमारे को सुन रहा है, ये गलत है। देखो एक गलीज गालियां निकाल रहा है यूट्यूब का, ये हक नहीं बनता। बिल्कुल सही बात है, मैं उसी तरफ ही आ रहा था हैदर भाई, कि जो शख्स ये बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में तो आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकते, वो तो आपका काम बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। ठीक है, मुखलिस हो ना हो मगर लेडीज का एहतराम अव्वल है, काम बाद में। मोहतरमा है उसका इज्जत अव्वल है, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखे मगर लेडीज का एहतराम बहुत हम इज्जत से करते हैं, मगर ये तो इतना गलीज है, खुदा का कसम देखने का काबिल ना सुनने का काबिल है ऐसी लफ्ज़ जो इसकी मैंने सुनी। ये कौन है, यूट्यूब पर है कोई? हाँ बिल्कुल, ये कोई मर्चेंट नामी बंदा है और एक दो लोग उसके साथ और अटैच हैं। नहीं देखो भले ऐसे काम अच्छे हैं ऐसे हम नहीं करते, मगर एक लेडीज का एहतराम उसको करना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करे वो। बिल्कुल सही बात है 100%। और इस वक्त शिकायत आए अमीर चंदजानी के जो है, इससे शिकायत आए हैं, एक लेडी से कराची से इसने बदतमीजी की, एक इंडिया से अभी की, जो है ना ये यूट्यूबर चंद है, मेरे साथ भी लोगों ने धमकाया,
आप लाइफ से नहीं आ रहे हो, हम ऐसे आपको ऐसा करेंगे। मैंने बोला करो भाई, बच्चे तो पहले आप लोगों ने छीन लिए, मेरे साथ भी आपको जो ज्यादा कर लो। ये यूट्यूबर की जो लाइव पे बिठाते हैं, हम अपना बात और दर्द सुनाते हैं, वही हमारे खिलाफ हो जाते हैं यार। अफसोस है, इसलिए मैं आना छोड़ दिया। यकीन करो क्या भाई, इसलिए आए यार, आपको दर्द सुनाए। आप जो है दिन को 10 दफा कॉल करो, मैं नहीं उठाऊं तो धमकी आ रहा है भाई, हम ऐसा करेंगे, आपको ऐसा करेंगे। हमने बोला जो करना है करो भाई, आपको इजाजत है, किसी का नाम ले यार। हैदर भाई के देखे, हर वक्त कोई इंसान फ्री तो नहीं बैठा वहां पे, काम कर रहा है, रोजगार कर रहा है, जो 24 घंटे यूट्यूब पे बैठा रहे और यहाँ पे आके बयान दे। मैं नहीं आया था, ये मोहतरमा ने जो मुझे वॉइस सुनाया ना, मेरे जान के कपड़े जलने लगे यार। मैंने बोला इतना नाइंसाफी, हाँ किसी के लेडी के बारे में मोहतरमा, उनको भाई बहन बेटी या कोई नहीं है उसको, जिसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, वो दूसरों का तो कम से कम करे ना यार, वो भी किसी का इज्जत है। बच्चों के लिए आ रहा है, आपसे बैठ रहा है क्या, वो ऐसे ही है, सस्ते लोग हैं, आपसे बैठ रहा है, किसी कम लोगों से बैठा हुआ है, उसने इंटरव्यू दिया, इसका मतलब ये नहीं वो जो है ना घटिया है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल सही बात है हैदर भाई, 100% आपकी बात दुरुस्त है। देखो हमें जो है, कौन है आमिर खान ने कराची में हमारी बहनों के साथ कसम से बदतमीजी की, मैं आज उसने कहा कि इधर इंडिया में ये इसको जब हम बेलगाम करेंगे ना, ये बहुत आगे तक जाएगा। ऐसा सवाल नहीं है, जो मेरे बच्चों के लिए सवाल कर रहे हैं वो जो भी करे उसको हम माफ करें, ऐसा नहीं है। हक हक है, सच सच है। यहाँ गलत जाओगे आप, मैं आपको बोलूंगा फैज भाई आप इधर गलत हो, ये कहना चाहिए हमारे को।